20 की गड्डी चाहिए। तुमने फोन रिसीव क्यों करा उसका? भाई फोन तो मैंने अपना उठाया तो रिसीव तुम बात करोगे इससे? फोन फेंक के मारूंगी तुम्हारा तुम्हारे मुंह पे। करता जाऊं गाड़ी में। मैं नहीं खिला, इनका निकला। डबल होता है ना ये, 2 कप 5 चल है, 2000 की गड्डी है। अबे साले हेलो। हाँ आपकी मिस कॉल आई थी अभी, अननोन नंबर से बोल रहे हो क्या? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कौन, ये नाम तो पहली बार सुना है, मैं जानता हूँ। अबे साले अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ। अरे अच्छा पारुल, हाँ और क्या चल रहा है? नहीं फॉग तो अब बंद हो गया, तो पहले चलता था, तब तो फॉग बंद है। भाई की शादी है, कब की है? मैं वही सोचूंगी, कुछ ना कुछ तो काम पड़ा होगा, तभी मेरी याद आ जाती है। क्या करना है बताओ, कुछ हेल्प हेल्प करनी है तो। हाँ अच्छा, तो 20 की गड्डी चाहिए। कितनी चाहिए 20 की गड्डी? वो तो मैं अरेंज करा दूंगा, उसकी तो कोई टेंशन नहीं बेबी, है। रोटी बना दूँ आपकी? सेकंड, अर्जेंट, वो बहुत अर्जेंट है। क्या हो गया? हाँ वो अरेंज करा दूंगा मैं, उसकी तो गड्डी की तो कोई टेंशन नहीं है, गड्डी तो अरेंज हो जाएगी ना। कौन सी गड्डी? अरे 20 की गड्डी अरेंज करानी है एक की यार। क्यों? हाँ तो कौन से फार्म हाउस में है, मैं उसके अकॉर्डिंग देख लेता हूँ गड्डी का हिसाब किताब। अच्छा नहीं मैं आ जाऊंगा, वाइफ को लेके आऊं या फिर अकेले आऊं? कोई नहीं, रात को तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, अगर वाइफ नहीं भी आती है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कौन है, कहाँ पे रुकने की बात कर रहे हो? हाँ हाँ चलो, मैं अभी 10 मिनट में फोन करता हूँ, फोन के पास ही रहना आधे घंटे बाद। हाँ किसके नोट की गड्डी उड़ाने की बात कर रहे हो? किसकी शादी में जा रहे हो अरे उसका फोन आया था यार, और रात को रुकने की बात कर रहे हो? रात को रुकते हो तुम कभी कहीं पे? रात को रुकूंगा नहीं, मैं सोऊंगा वहां पे, सोने के लिए तो बोल रहा सोओगे तभी तो रुकोगे ना। हूँ यार। पहले तो तू वो कर ले, पानी क्या कर लूं? पी ले थोड़ा, तू गुस्सा होती है, फिर पहले ढंग ध्यान से सुन ले, ढंग अगर से सुन गुस्से वाली बात हुई तो गुस्सा होंगी नहीं होंगी ये बताओ पहले। मेरी बात। ठीक है कर, मत, रात में बहुत तेज जाती है, पता है ना, सर्दी की आवाज और कुत्ते का खाना बहुत दूर तक जाता है, लेके भग जाता है वो खाने का। सुन वो पता नहीं कहां कहां से। सुन, वो नहीं है पारुल। अब तू ये मत पूछे कि पारुल कौन सी वाली, एक ही पारुल है, उसका फोन आया है कह रही पारुल। पारुल वो तुम्हारी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, हाँ तो अब इसमें तो तुम उससे बात कर रहे थे जान? उसका खुद फोन आया, मैंने थोड़ी फोन मिलाया उसके पास यार। तो तुमने फोन रिसीव क्यों करा उसका? भी फोन तो मैंने अपना उठाया तो रिसीव। तुमने बोला ना कि उससे तो तुम्हारी कट हो गई है ना सारी चीजें, तो तुमने उसका कॉल क्यों रिसीव करा? तुम उसकी शादी में जाने के लिए बात उसकी क्यों? शादी तो पहले ही हो चुकी है, पागल है क्या? उसके भाई की शादी है, छोटे की, अतुल की, उसकी शादी है। तो कह रही कि मतलब उनके घर को, घर वालों किसी को पैसे वैसे उड़ाने होंगे, तो कह रही कि पैसे उड़ाने हैं तो 20 की गड्डी कहीं से अरेंज करा दो आप, आपकी थोड़ी जान क्यों पहचान तुम अच्छी उनके है। साले लगते हो? मैं उनका साल लगता हाँ हूँ? साले लगते हो जो उसके भाई की शादी में तुम नोट उड़ाओगे गड्डियां अबे मैं उड़ाओगे। नहीं उड़ाऊंगा, वो मेरे से मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी, जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजते हैं ना, रिक्वेस्ट? ऐसे रिक्वेस्ट कर रही। क्यों? तुम उसके रिलेटिव हो कोई? ये तुम हमारी फैमिली में आती है वो, ये हमारे रिलेशन में है, कोई कहीं नहीं जाओगे पहले बता रही हूं मैं। और देखो ऊपर यार से थोड़ी सी चीजें बताने से ही तेरे को एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है। क्या हो पैसे वो 20 की गड्डी कह रही, 20 की गड्डी 10-10 की तो बंद कर दी रिजर्व वालों ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो वो कह रहे हैं कि अब 20 की गड्डी उड़ाओ बैंक वाले। तो तुम जाके उड़ाओगे क्या 20 की मैं नहीं गड्डी? उड़ाऊंगा, मैं उनको पैसे, सुन वो 2000 रुपये की 20 की गड्डी 100 नोट देंगे, तो मैं उसमें उसको उनसे एक्स्ट्रा ले लूंगा ना 500 रुपये, तो 500 रुपये मेरे बन जाएंगे, मैं अपना भी तो देख रहा हूँ ना, क्या देख रहे हो अपना? अपना एडवांटेज भी तो देख रहा हूँ ना, अपनी बेनिफिट भी तो देखूंगा, जब भी तो मैं दूंगा ऐसी थोड़ी नोम उठा के दे दूंगा 500 रुपये। कहीं नहीं जाओगे पहले बता रही हूं मैं, ठीक है ना? ये नोट उड़ाना, ये फालतू के काम करने, वो भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड की, उसके छोटे भाई की शादी है तो चिल्ला तो क्यों तुम्हारे तुम्हारे क्या लगते हैं वो? इतने क्यों परेशान हो रहे हो तुम? मैं परेशान, तुम्हारा उससे कट हो गया है ना?
मैं उसका फोन पता नहीं किससे नंबर ले लिया, वो कह रही वो बाथरूम में नंबर लिखा हुआ था तुम्हारा। साला मेरे नंबरों को पता नहीं कौन बाथरूम में लिख के आता था, लड़कियों का नंबर लिखते हैं, मेरा पता नहीं किसने लिख दिया। अब तो कोई भी नहीं लिखता बाथरूम में यार किसी का भी नंबर। तू देखती है क्या जाकर? पहले होते थे ये काम, अब नहीं होता, अब नहीं करता कोई ऐसा। कंप्लेंट हो जाएगी अगर ऐसे कुछ हुआ तो, कोई अब अननोन कॉल नहीं करता। दिक्कत ये हो रही है कि मैं अरेंज कहाँ से करूँ, तेरे को कोई नॉन में है मतलब तुम ये दिमाग? चाहते हो कि मतलब क्या अबे अबे बकवास पांच कर रहे हो साल यार, तुम मेरे पागल वागल हो गए हो, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम उसकी? मेरे साइड बिजनेस है, मैं पैसे कमाता हूँ ऐसे मोटी। कोई जरूरत नहीं है ऐसे पैसे कमाने जैसे की। एक का डबल होता है ना, ये दो का पांचल है, 2,000 500 ये है। अब मैं इसलिए तो बात कर रहा था, तू एकदम से टपक पड़ी। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या बकवास करे जाते हो, मतलब अपने एक्स गर्लफ्रेंड की तुम भाई की शादी में तुम पैसे उड़ाओगे, क्या जरूरत है मैं नहीं तुम्हें? उड़ाऊंगा, मैं नहीं उड़ाऊंगा मोटी, मैं जाके दे के आऊंगा, थोड़ा सा खाना खाऊंगा, एक रात उसके साथ सोऊंगा, किसके साथ सोओगे? उसके भाई के साथ, उसके भाई के साथ सोऊंगा, वो उसके भाई की तो शादी है, कमरे में सोऊंगा, वहां पे रात में थोड़ी ना आऊंगा वहां से। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओगे ही नहीं, तुम्हें भेजेगा कौन? मैं तो नहीं अग्री कर रही, फालतू में खुश होए जा रहे हो। और तुम्हें यार बोल किसने दिया? मेरे से बिना पूछे तुम कुछ भी डिसाइड कर लेते हो, मैं हूं कौन? तुझे पता ही नहीं तू कौन है? तुम बताओ ना, तुम मतलब मेरे से बिना पूछे चीजें करते हो, मैं अगर ऐसे करने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? है वो भी तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, यार क्या मतलब बनता है उससे उससे बात करने का तुम्हारा? जब तुम्हारा सब कुछ कट हो चुका है तो तुम मेरे सामने, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा क्या मतलब है यार? अरे मेरा मतलब है, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। मुझे 500 रुपये मिलेंगे ना एक गड्डी पे, मैं 5 कट्टी दूंगा तो कितने हुए? 5 5 जा 25 हुए, नहीं हुए तो 2,500 रुपये बन गए सीधे सीधे। कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से पैसा कमाने का, और कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, ठीक है तो ये ना? शॉर्टकट का हुआ है, जैसे कि लॉन्ग किसी कट और का। से कमा लेना ऐसे शॉर्टकट, मेरे को नहीं चाहिए। तो सुन, रोटी रोटी बना ले, भूख हाँ लगी। रोटी तो मैं बना दूंगी, लेकिन जो तुमने मेरा मूड खराब करा है ना अभी ये सब चीजें बोल के, और तुम बात करोगे इससे, फोन फेंक के मारूंगी तुम्हारा तुम्हारे मुंह पे। हाँ बात नहीं करोगे तो उससे। कर रहा बात, बस व्हाट्सएप पे तो बात कर सकते हैं ना, फोन पे नहीं। कोई जरूरत नहीं है। नो क्या मतलब तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है पहले तो ये बताओ। भाई, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। मैं ना एक का डबल करना चाह रहा हूँ पैसे, मैं कोई चाहता हूँ जरूरत नहीं है एक का कि डबल करने हमारा ना की। मतलब पैसे, इतने सारे पैसे हो कि हम ऐसी गाड़ी हो हमारे पास कि उड़े हो हवा में ऊपर। अंबानी के पास भी नहीं है ऐसी गाड़ी तो जो अब हवा में उड़े। आएगी, अच्छा आने वाली है वो, देख लिया तुम्हारे मैंने, पास स्पेशल आएगी मेरे वो, स्पेशल नहीं आएगी, वो है। धरती पे पैर टिका लो ठीक है ना? अब धरती से नीचे उतरना पड़ेगा, बैठ से ठंड में कहाँ पैर टिकवा लेती क्या सोच रहे हो, पता नहीं क्या क्या ये तुच्छे काम करके यहाँ पहुंचोगे तुम? है। तुझे काम नहीं है, बर्थडे के गर्लफ्रेंड की लिए शादी में, के गर्लफ्रेंड के भाइयों की शादी में पैसे उड़ा के तुम मैं थोड़ी अंबानी से भी उड़ाऊंगा। अरेइज बन जाओगे, वाह। अबे मैं थोड़ी उड़ाऊंगा पैसे, नूबड़ी तू पागल वाली बात कर रही है। अरे तुम पागल, दिमाग खराब तो करो मत मेरा, मैं ठीक है ना? चाहता बकवास मत करो मेरा, हूँ, बस बहुत हो गया, मैं नहीं सुन सुन रही। मेरी बात, मैं ना इस कमरे से ना उग चुका हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे एक बंगलो हो, क्या हो? 2 मंजिल का बंगला हो, बंगला? बंगलो बंगलो, बंगलो? हाँ बंगला बंधु, बंगला बंगला बंगलो, बंगला बंधु होते हैं ना वो, बंगला ही बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारा 2 मंजिल का बंगला हो, तकड़ा मस्त लगेगा उसमें। तेरे सोच के देख, जस्ट इमेजिन, उधर देख, इमेजिन करते तो ऊपर देखते ऐसे करके। अरे तुम ही देखो, तुम ही करो ऐसे इमेजिनेशंस। कि तेरे आसपास नौकर घूम रहे, तेरी कमर पे प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं सॉरी कपड़ों पे प्रेस कर रहे हैं। मेरी कमर पे, प्रेस करवा दो, तुम भुकवा दो मुझे। अबे तू ही तो बोलती है कमर पे प्रेसिंग कर दो, तो वही तो वो प्रेसिंग वाली करो। प्रेसिंग थोड़ी ना होती है। तेरे खाने के लिए अलग से नर्स, वो नर्स कह रहा हूँ, हाँ नर्स ले आओ मेरे लिए, तुम बीमार कर दो मुझे पहले। फिर खाने के लिए अलग से मतलब मेड हो, नहीं मुझे वो तो इतनी मैं, फैसिलिटी नहीं चाहिए, मेरे को अपनी ये आदतें पैसे खराब नहीं आएंगे करनी। कहाँ से, यहीं से आएंगे पैसे। यहीं से आएंगे, इस काम को करके कोई अभी पैसा कमाता है क्या? मैं ना ये काम खोलने वाला हूँ, गड्डी उड़ाओ, सस्ते में गड्डी लो और मुझे डबल पैसे दो, काम तुम खोलने गड्डी वाला। उड़ाओ चाहे कहीं भी उड़ाओ, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के भाई की शादी में तुम नहीं जाओगे, तो नहीं जाओगे। मैं जा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ गड्डी दे के आ जाऊंगा, ठीक गड्डी है? देके आ जाओगे तुम? हाँ क्यों, तुम ही हो वहां पे गड्डी देने के लिए?
और जब मैं लेके जाऊंगा ना गड्डी, तो मैं पता क्या क्या करता जाऊंगा गाड़ी में, मैं निकला गड्डी लेके। कितने खुश हो रहे हो ना तुम, हैं? ये गाना ये फालतूगिरी करके। ये गाना इसी चीज के लिए बना है, मैं निकला वो गड्डी लेके, वो गड्डी लेके। ठीक है, अब तो सुन, तू बैठ 2 मिनट, मैं 1 मिनट उससे आकाश से बात कर आता हूँ, उससे बात करनी है मुझे कुछ। कौन आकाश? मैं उसके पास भी पहले फोन मिलाया तो वो आ गया होगा, 1 मिनट। ठीक है, कहाँ आकाश? कौन से आकाश? किसे? अभी 2 मिनट में आ रहा। पागल मत बनाया करो मेरा। गड्डी की मैंने उससे बात करी है। तुम फिर गड्डी के पीछे क्या है? मैं मना कर रही हूँ तुमसे, मैं कुछ हूँ नहीं हूँ, पहले तो मुझे बताओ। चिल्ला क्यों रही है? मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू है या नहीं है? है। मैं क्या कह रही हूँ? वैल्यू है। तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आती मैं मना कर रही हूँ? क्या तुम्हें समझ में आती है या नहीं आती है? आगे आगे चिल्ला की रही है तो फिर तो डोंट शाउट एट मी। हाथ उठाओ। चल ठीक है, तो मैं सुसु करके आ जाओ, 2 नंबर। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, मुझे तुम पे डाउट है। सुसु करने पे भी डाउट है? हाथ रुक जा, आ रहा हूँ मैं। 1 hour later। क्या हुआ? गैस कर, गैस कर, क्या लाया? गैस कर, पता है कितनी मुश्किल से लेके आया? क्या? दो लड़कों को फंसाया है, उनसे फिर मंगवाई ये चीजें। हाँ क्या लेके आए? ऐसे कर पहले, ठीक मांगे मतलब ऐसे आप कर। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। यहां से मत कर, ऐसे कर। अबे साले, तुमसे मना किया था ना मैंने? मेरी मेरी बात सुन, तुम ले आए ना फिर, मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम झूठ बोल के जा रहे हो। तेरी आंख में क्या? अरे तुम उसको छोड़ो यार। oh, no. क्या यार तुम बड़े, सुन इसकी हवा पहले सुन, ये दो काम करती है, एक तो ये उड़ती है शादियों में, दूसरा ये हवा भी देती है गर्मियों में। मैं कुछ अच्छा? कुछ हूँ तुम्हारे लिए या नहीं हूँ पहले तो मुझे बता दो। बेबी है, तू मेरी बात तो सुन पहले, मैं इससे ना बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ। कौन सा बिजनेस खड़ा कर रहे हो तुम 20 के नोटों से? अबे पहले लोग जो क्या नाम है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये पहले यही बिजनेस करते थे, पैसे उड़वाते थे, ठीक है, और अपने बंदे खड़े करते थे। ऐसे मैंने 3 लड़के हायर करे हैं, चंगू, मंगू और पंगू। तो ये तीनों जब लड़के क्या करेंगे, जैसे ही मैं पैसे उड़ाऊंगा वो उनकी भीड़ में चुक चुक के ले आएंगे, समझ गई? अब इसके पैसे मैंने ले ली 2500 रुपए, ठीक है, वो पैसे दोबारा से यही गड्डी, ये गड्डी मैंने 10 शादियों में उड़वा ली, फिर अब भी ऐसे ऐसे कर। मतलब ये जो गड्डी है कितने की पड़ती है? ये पड़ती है हमें 700 रुपए। और कितने नोट होते हैं इसमें? इसमें 100 नोट है, सही नहीं है? कितने हो गए? मैथ मेरी इतनी तकड़ी नहीं है, होएंगे होएंगे 2-3 लाख रुपए, 2-3 हजार रुपए। तो अब सुन मेरी बात, हम ना इससे क्या करेंगे, नया बिजनेस खड़ा करेंगे, ठीक है, खड़ा करना हर किसी के बस की नहीं है, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, कि पैसे उड़ाओ, सस्ते में गड्डी ले जाओ और उनकी ऐसे ऐसे करेगी। अब शादी चल रहा है सीजन, शादी का सीजन चल रहा है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसका फोन आएगा ना। किसका? पारुल का फोन आया, तो मैं उससे बात करूंगा, उसे बात करनी पड़ेगी ना, पैसे के लिए तो बात करनी पड़ती है ना। हाँ फिर ठीक है, आगे तुम ये बताओ, ये तीनों को मतलब कैसे तुम पैसे उड़ाओगे? तो कौन छोड़ रखे हैं आपने? चंगू मंगू पंगू, 20-20 रुपए की धाड़ी पे रखे मैंने, तो डेली की जितनी बार उठाएंगे उतनी बार मैं उनको दूंगा। तो फिर फायदा क्या हुआ उठाने का? मैं समझी नहीं तू बात को, उनको दूंगा। क्या दोगे? खाने के लिए चीजें दूंगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी, चाय पत्ती होगी, ये खाने के लिए दूंगा उनको मैं। तुम उस इन चीजों में मत पड़े कर, तुम मैं कैसे, तू उठ लिया खा मत गिन, मैं अपने आप गिन रहा हूँ आमों को, ठीक है, समझ गई? अब तू मुझे ये बता, मैं उस लड़की के, उसको लड़की कह रहा हूँ, उसके पार्लर के घर पे चला जाऊँ, उसको ये दे देता हूँ, ठीक है, उससे बात करनी पड़ेगी मुझे अकेले, ठीक है, अकेले में बात करनी है मुझे। तुम्हें पिटना विटना है क्या मेरे से? बताओ, ये वाला यहाँ तक प्लान ठीक था, लेकिन घर पे जाके उससे अकेले में बात करनी पड़ेगी, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारा। यार पैसे भी तो दे रही है ना करने के, तो क्या करने? अबे
करने काम मुझे करने के काम करने, ये काम ही तो है, ये काम है, गड्डी उड़वानी है मुझे। ये गड्डी वाला जो प्लान है ना, ये कहीं और दिखाना, वहां पे तो तुम नहीं जाओगे इसको लेके। तो एक सेकंड बात करने दे। तुम एक सेकंड, मैं कह रही हूँ तुम कॉल अटेंड नहीं करोगे। कैसे लगा एक मिनट रुक जाओ, दो इधर फोन, एक सेकंड बात तो कर ले। नहीं बात करनी, मैं मना कर रही हूँ ना। एक ये हेलो, एक सेकंड, तुम कितने बदतर। ठीक है, नहीं कर रहा बस। अब मुझे ये बता यार, तुम शर्म आती है नहीं आती, पहले तो ये बताओ। ये नोट मुझे दो इधर, फट जाएगी, बहुत महंगी गड्डी है। क्या महंगी गड्डी है? 2,75,500,665 रुपए की है। 7 करोड़ गड्डी के लिए बोल। मेरी कसम, उसी से लाया गड्डी। क्या आज की कसम खा? कसम वसम नहीं खाता, झूठ बोल। कसम कोई खाने की चीज है? कुछ बर्गर वर्गर खिला, पहले बताओ सच में। कुछ और खिला, अब मजा आ रहा है। तुम्हारे तो प्रैंक की मैं मदर मदर पकड़।